यूपी के मंत्री सुरेश राणा दलित के घर डिनर के नाम पर दिखावा करने के आरोपों में घिरे। बीजेपी के दलित संपर्क अभियान के तहत सुरेश राणा ने दलित के घर भोज तो किया, लेकिन यह खाना बाहर से बनकर आया। हालांकि जब यह सवाल उठा कि सुरेश राणा बस रस्म अदायगी के लिए दलित के घर गए थे, तो उन्होंने सफाई दी कि उनके साथ कई लोग थे, इसलिए खाने की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ी। राणा यह भी कह रहे हैं कि खाने का व्यवस्थापक एक दलित ही। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस तरह दलितों के साथ मेलजोल होगा या फिर यह एक राजनीतिक इवेंट भर बनकर रह जाएगा। दलितों के घर जाने और खाना खाने का आइडिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन क्या एक निजी संपर्क अभियान की रणनीति को राजनीतिक रसूख के अभियान में बदलने का प्रयास हुआ? और क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दलितों को बराबरी का दर्जा देने की मानसिकता अब भी गायब है? इसलिए दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि दलित के घर क्या भोज का नाटक कर रहे हैं बीजेपी के नेता? क्या मंत्री सुरेश राणा ने जानबूझकर दलित के घर की रोटी नहीं खाई? दलित के घर की रोटी ना खाना दलित विरोधी मानसिकता है? क्या दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है और दलितों को अब भी समाज में वो सम्मान नहीं मिला है जिसकी अक्सर बात की जाती है? तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया होंगे समाजवादी पार्टी से, प्रेमचंद मिश्रा होंगे कांग्रेस से, डॉक्टर गंगा सहाय मीणा हमारे साथ हैं दलित और आदिवासी चिंतक हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा आरएसएस के जानकार हैं, और साथ सुरेश राणा हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तंदूरी रोटी, दाल मखनी, पालक पनीर, उड़द की दाल, मिक्स वेज, छोले, चावल, सलाद, रायता, गुलाब जामुन, कॉफी और मिनरल वाटर। इस मेन्यू को देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि ये घर में बना रोजमर्रा का खाना नहीं, लेकिन दलित के घर भोज के नाम पर यूपी के मंत्री सुरेश राणा ने यही व्यंजन खाए। बीजेपी के दलित संपर्क अभियान के तहत सुरेश राणा 1 मई को अलीगढ़ के लोहागाड़ी गांव में रजनीश नाम के दलित व्यक्ति के घर पधारे थे। खाने में क्या क्या व्यंजन है, मतलब मंत्री जी को पसंद थी ऐसी ऐसा आइटम कुछ मिला है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो नॉर्मल तो इनका पहले से बना हुआ है। क्या क्या खाना? तंदूर, मटर पनीर, जो भी है ऐसे खाना बना हुआ था। पार्टी की रणनीति के मुताबिक बीजेपी नेताओं को दलितों के बीच जाना है, उनके साथ रोटी का नाता जोड़ना है और उनके बीच रुककर उनकी समस्याएं जाननी है। लेकिन सुरेश राणा ने बाहर का खाना खाने के बाद वहां के सामुदायिक भवन में बढ़िया इंतजाम के साथ रात्रि विश्राम भी किए। लेकिन अब योगी के इस मंत्री पर दलित प्रेम का दिखावे का आरोप लग रहा है। हालांकि सुरेश राणा भारी भीड़ की वजह से व्यवस्था में दिक्कत का हवाला दे रहे हैं। मैं रात को पहुंचा तो रात को 11 बजे हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद 11 बजे रहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा उत्साह एक भाजपा की तरफ है दलित समाज का। कुछ लोग इससे परेशान हैं और कुछ लोग तरह तरह की उनमें कोई कमियां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। पूरा गाँव सामूहिक होकर के भोजन बना रहा है या सामूहिकता के साथ भोजन करना चाहता है, भोजन कराना चाहता है, तो मैं कह सकता हूँ ये देश के लोकतंत्र में बहुत अच्छी बात। इससे पहले दलित के घर मंत्री स्वाति सिंह के हाथों बनी रोटी खाने पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विवादों में घिरे हैं। कर्नाटक के सीएम पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा पर भी तुमकुरु में दलित के घर बाहर का खाना खाने का आरोप लगा था। दिल्ली से नीलांशु और अलीगढ़ से अकरम के साथ आज तक ब्यूरो। तो सबसे पहले इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश राणा। स्वागत है सुरेश राणा आपका आज तक पर। आप लोग खाते बाहर से मंगा कर हैं, बताते दलित के घर का है? बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो अभियान चलाया है और जिस प्रकार 4 साल के अंदर उन्होंने देश को विकास में नई गति दी है, नई ऊर्जा दी है, जो लोग आवास से वंचित थे उन्हें आवास मिला है, जो बिजली के कनेक्शन से वंचित थे उन्हें बिजली का कनेक्शन मिला है, और ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के पंचायतें लगाई हैं, चौपाल लगाई हैं और आम जन की समस्याओं को सुनकर के मौके पर उनका निस्तारण किया है, और रात के 11 बजे भी 12 बजे भी हजारों की भीड़ उन चौपालों में उपस्थित हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ भोजन केवल बहाना है। कुछ लोग इससे बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, इसलिए कुचक्र रचते रहते हैं, इस प्रकार के षड्यंत्रकारी भाषा बोलते रहते हैं। राणा जी, खाना दलित के घर खाना था ना, कार्यक्रम तो ये था ना, ये कार्यक्रम ही नहीं था जी? नहीं,
कार्यक्रम ये था कि गाँव में एक चौपाल लगानी थी, मैं चौपाल में गया, सारे अधिकारी मौजूद थे, वहीं उज्ज्वला के माध्यम से सारे गैस सिलेंडर का वितरण हुआ, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ऋण मोचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसमें लाभ, गांव में 19 से ज़्यादा किसानों को लगभग 1 लाख रुपए की राशि ऋण मोचन के माध्यम से उनकी समाप्त हुई। मैं कह सकता हूं जिस प्रकार हजारों की संख्या में रात को आज दलित उमड़ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है, जुड़ रहा है, विकास के साथ जुड़ रहा है, तो कुछ लोगों को यही चिंता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी संख्या है राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, खाने में क्या समस्या है? नहीं, दलित के घर खाना खाने में कोई समस्या ना मैं आज है ना पहले थी, और मैंने वहीं बैठ करके दलित परिवार में ही भोजन किया है, उस गाँव का प्रधान भी दलित है, वहाँ का विधायक हमारा माननीय विधायक अनूप वाल्मीकि भी दलित है, वो दोनों उस कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्हीं के द्वारा भोजन का आयोजन किया गया था, पूरे गांव की उसमें सहभागिता थी, उसी गांव में भोजन तैयार हुआ, उसी गांव के लोगों के द्वारा तैयार हुआ, उसी गांव में बैठ करके सब लोगों ने मिलजुल करके खाया, और सामूहिक पद्धति में भोजन करना ये हमारी पौराणिक परंपरा भी है, और उसी परिवार में बैठ करके खाया। मैं कह सकता हूँ केवल और केवल अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कुछ लोग इस प्रकार के विषयों को मुद्दा बना, दाल मखनी, छोले चावल, पालक पनीर, उड़द की दाल, मिक्स वेज, रायता, तंदूरी रोटी, गुलाब जामुन, मिनरल वाटर और कॉफ़ी। मकसद तो ये था ना कि दलित के जैसा जीवन मोदी सरकार के, योगी सरकार के मंत्री भी जी के दिखाएं सामान्य तौर पे। ये मेन्यू कार्ड कहाँ से आया मुझे जानकारी नहीं है, पर हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आज दलित अच्छा भोजन कर रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों है? क्या दलित का अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं है? क्या वो अच्छा खाना नहीं खा सकता? क्या वो अच्छी सब्जी नहीं खा सकता? क्या वो मिठाई नहीं खा सकता? अरे आज वो उत्साह में है, सरकारी योजनाओं का भारी लाभ उसे मिला है, विकास की मुख्य धारा में जुड़ा है, और यही माने मोदी जी का और माने योगी जी का अभियान है, मुख्य धारा में जोड़ना है, विकास के साथ जोड़ना है, विकास के साथ हम लोगों ने जोड़ा है, और आज यदि वो अच्छा भोजन कर रहा है और आगंतुक को, अपने आने वाले को अच्छा भोजन करा रहा है, तो इसमें लोगों को आपत्ति क्यों है? आपको लगता है कि जिस दलित के नाम पर पर्ची काटी गई है, क्या है कि भाई इनके यहाँ मंत्री जी ने भोजन किया या इन्होंने आयोजन किया, ये सारी व्यवस्था कराने की स्थिति थी उस दलित परिवार की, और सारे दलित परिवार ऐसे आयोजन कर सकते हैं मंत्रियों के लिए? मैं आपको बता दूं कि मात्र 3 दिन पहले ही वहाँ के प्रधान ने, वहाँ के गांव के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से बाकायदा परमिशन ली है कि हम सारे लोग मिलकर सामूहिक भोज का आयोजन करना चाहते हैं, हम पूरा गांव सहमति और सहभागिता के आधार पर भोजन कराना चाहता है, और मैं कह सकता हूँ हमारा जो उद्देश्य है उसे हमने पूरा किया है। हमारा उद्देश्य है गांव गरीब का विकास करना, हमारा उद्देश्य है दलित शोषित वंचित को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने के मामले में देश में 17वें पायदान पर था, आज वो प्रथम पायदान पर आ गया है। सर, आज हमने 8 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण किया है, विद्युत के क्षेत्र में बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, दलित का घर बन गया है। सदा साहब, अगर दलित का घर बन गया है राणा जी विकास योजना के तहत, जिसको आप आवास विकास योजना कह रहे हैं और कह रहे हैं यूपी पहले नंबर पर है, तो दलित के घर जाकर सो जाते, दलित के घर बैठकर खाना खा लेते, ये होटल वाला खाना क्यों? मैंने दलित के घर बैठ करके खाना खाया, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी होटल का खाना वहां नहीं था, ना कोई होटल का वहां विषय था। जैसे आप होटल शब्द को पकड़ रहे हैं ना, कि होटल से खाना नहीं मंगाया था, जी जी, तो होटल अपने आप में एक संस्कृति है, हलवाई को बुला के बैठाना और पूरा आयोजन तामझाम लाभ लश्कर के साथ कराना, वो होटल शब्द जो है ना उस संस्कृति का परिचायक है। वो ये बताता है कि योगी सरकार के मंत्री दलित के घर बैठ के सामान्य तौर पे, जैसे वो दलित आम तौर पे जीवन गुजारता है, वैसे खाना खाने में परहेज करते हैं। सदाना साहब, जिस तरह से वो जीवन गुजारता है उन्हीं के घर में बैठ करके, उनके साथ ही, उन्हीं के द्वारा तैयार भोजन को मैंने उनके साथ बैठ करके किया है, ये भी संस्कृति का एक हिस्सा है। यदि आसपास के गांव के लोग आए हैं और आसपास के गांव के लिए, बाकी जो वहाँ सुरक्षा के लोग हैं उनके लिए, यदि उस गांव के लोगों ने भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। राणा जी, आपको लगता है इस देश के दलित मटर पनीर खाते हैं हर रोज़ अपने घर के खाने में, मिनरल वाटर पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि आज यदि दलित शोषित वंचित यदि आज अच्छा खाना खा रहा है,
तो मैं समझता हूँ ये तो खुशी का विषय होना चाहिए और हम सबको अधिकार है अच्छा खाना खाने का। कुछ लोग इस बात से भी परेशान है कि वो अच्छा खाना नहीं खा सकते, वो अच्छा खाना खाएं, वो मुख्य धारा में जुड़े, यही तो मोदी जी का अभियान है। राणा जी, यही मोदी जी का अभियान है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छा अच्छी उनके आवास की व्यवस्था हो। लोग इससे परेशान नहीं कि दलित अच्छा खा रहा है, मैं उन लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं। लोग इससे परेशान है कि मंत्री अच्छा खा रहे हैं, नाम दलित का बता रहे हैं। जिन घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंची थी उन घरों में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने किया है। जिन माताओं की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था केवल चूल्हे में फूंकते फूंकते, आज उनके घर में सिलेंडर और चूल्हा प्रोवाइड कराने का काम योगी जी ने और मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से जो बातें कही थी कि हमारे नेता मंत्री सांसद विधायक दलित के घर जाएंगे, उसके घर खाना खाएंगे, उसके घर रात बिताएंगे, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से पार्टी करके आप लोग उस पर्पस को फेल कर रहे हैं? कोई पार्टी नहीं, और यदि उन लोगों ने, वहाँ के सम्मानित विधायक ने, वहाँ के सम्मानित प्रधान जी ने, गांव के लोगों ने दी, लोगों के भोजन की 15-20 लोगों के भोजन की व्यवस्था बाहर कर दी, बाहर मानो उस घर के आते के बाहर, और मेरी व्यवस्था घर के अंदर कर दी, मैंने उसी दलित परिवार के घर में बैठ करके उन्हीं की चारपाई पर बैठ करके यदि भोजन कर लिया, तो मैं समझता हूँ पूरा परिवार, गांव, तमाम लोग उस सारी योजनाओं में हिस्सेदार थे। सब लोगों ने प्रसन्नता के साथ, मैं रात भर गांव में रुका, सुबह 7:30 बजे फिर पुनः एक परिवार में गया, वहाँ बैठ करके उनके साथ चाय पी करके, उनकी बात सुन करके, उनके साथ नाश्ता करके, फिर 8 बजे गांव से निकला। हम लोग जब शाम को जा करके सुबह 8 बजे गाँव से निकल रहे हैं, जिन लोगों ने ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति की है और दिल्ली के AC भवनों में बैठ करके दलित की चिंता के भाषण दिए हैं, आज वो लोग परेशान हैं। वो खुद समझ रहे हैं कि दलित आज विकास के साथ जुड़ रहा है। आप सामुदायिक केंद्र में रुके, दलित आज मुख्य धारा के साथ खड़ा हुआ है, यही उनकी परेशानी का कारण है। विशेष तौर पे बाहर से मंगाए गए उसके जी, मैं सामुदायिक केंद्र में रुका हाउस से। कोई तकिया कोई चादर, मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूं कि वहीं के लोगों के द्वारा सारे व्यवस्था की गई, उन तमाम लोगों के ही पलंग पर मैं सोया, उन्हीं की व्यवस्था का वो पलंग था, उन्हीं की वो चादर, उन्हीं का वो तकिया, मैं तो केवल गया था। व्यवस्था थी तो पूरे गांव की व्यवस्था थी, और गांव यदि व्यवस्था कर रहा है तो मैं समझता हूँ लोगों को प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए कि गांव सारी सरकारी योजनाओं में सहभागिता कर रहा है। अगर आप लोगों की नीयत वाकई इतनी साफ है तो आप ही लोगों के मामलों में बार बार सवाल क्यों उठते हैं? योगी आदित्यनाथ गए तो कहा गया कि मंत्री ने उनके लिए रोटी बनाई जो कि खुद ठाकुर जाति से आती हैं। मैं नाम भी ले सकता हूं, स्वाति सिंह का नाम आया कि उन्होंने रोटी बनाई। उसके बाद खबर यह भी आई, अखिलेश यादव ने खुद आरोप लगाया कि भाई बताकर गए थे दयाराम के घर जा रहे, पहुंचे थे आशाराम के घर और दयाराम को वहीं बुलवा लिया गया, जनता को यह बताया गया कि दयाराम के घर खा रहे। मैं सबसे पहले तो इस घटनाक्रम पर आपको कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों ने ही स्वयं प्रशासन से परमिशन ली थी कि हम सामूहिक रूप से आयोजन करना चाहते हैं। दूसरा विषय कि दलित के घर जाना या जाकर के भोजन कर लेना, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये भावनाओं का और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय है और हम लोगों के लिए नई बात नहीं है। कोई पहली बार मैं नहीं गया हूँ दलित के यहाँ भोजन करने, ये मेरे परिवार, मैं तो जिस विधानसभा में हूँ वहाँ 11-12% दलित है, जहाँ से विधायक चुन के दूसरी बार आया हूँ, बड़ी मात्रा में मुझे दलित समाज का वोट मिलता है और मेरे परिवार के संबंध है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, और मैं कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं, माने मुख्यमंत्री जी स्वयं, हम लोगों के लिए कोई नया विषय नहीं है। हम गांव में जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, और बहुत जगह ऐसी हैं कि व्यक्तिगत रूप से भोजन तैयार हो जाता है, कई जगह गांव के लोग सामूहिक रूप से भोजन तैयार कर लेते हैं। मैं समझता हूं लोगों को फोकस करना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं 70 साल में यदि उन्होंने विकास को फोकस किया होता तो आज उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार का विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने 70 साल तक कुछ नहीं किया। यदि सहभागिता के साथ और गांव में जिस महिला खाना बना रही है, जहां CM साहब का भोजन है, यदि वहां तमाम लोग इन्वॉल्व होकर के भोजन बना रहे हैं, एक सहभागिता का प्रदर्शन हो रहा है, भोजन खाने में भी, भोजन बनाने में भी, साथ बैठने में भी, सोने में भी, समझने में भी, तो ये तो समाज के लिए इसी दिन को देखने के लिए बाबा साहब का सपना है। तो फिर बाबा साहब का यही तो सपना था कि सब लोग साथ भोजन बनाएं, साथ उसको खाएं, प्रचारित भी ऐसे करें कि भाई हम चौपाल लगाने जा रहे हैं, चौपाल में दलितों को भी बुलाते हैं। प्रचार नहीं, प्रचार
हमने चौपाल का ही प्रचार किया है, चौपाल ही लगाई है, चौपाल में ही बैठे हैं, गांव के लोगों ने भोजन तैयार कराया, व्यवस्था की जहां तैयार का गांव में कहीं जाएंगे रात के 12 बजे तक बैठेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो कम से कम अभी इतनी संस्कृति देश में है कि लोग भोजन के लिए तो बोलेंगे ही, और भोजन के लिए बोलेंगे तो भोजन आप करेंगे ही, जहाँ भोजन गाँव के लोग तैयार करेंगे आप जा करके वहाँ भोजन करेंगे, जहाँ लोगों ने भोजन तैयार कराया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ लोगों के परेशानी है कि दलित समाज के द्वारा अच्छा भोजन तैयार करा लिया गया और अब वो अच्छा भोजन क्यों करने लगे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप ही को अच्छा भोजन करने का अधिकार है? क्या आप ही को मटर पनीर खाने का अधिकार है? क्या आप ही को मीठा खाने का अधिकार है? आप ही को दाल मखनी खाने का अधिकार है? यदि आज दलित समाज के परिवार में दाल मखनी, मीठा और अच्छा भोजन बनता है तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि 70 साल की आज़ादी में कम से कम 4 साल के अंदर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की मुख्य धारा में तो दलित को शामिल किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके आज शौचालय बनाने में देश में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का आया है, आज आवास बनाने में देश में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का आया है, 30 लाख से ज्यादा लोगों को हमने सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए हैं, आज हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों को आवास दिया है। धन्यवाद सुरेश राणा जी हमसे बात करने के लिए। तो प्रेमचंद मिश्रा लगातार बीच में उंगली उठा रहे थे, सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी माफी चाहता हूं, उनकी आने की शर्त यही थी कि वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, हम उनसे जितने मर्जी सवाल पूछ लें, पर उन्होंने एक सवाल तो खड़ा कर दिया, आप लोगों को बुरा लगता है दलित गुलाब जामुन खाता है, क्या वाकई? हाँ, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था और धारा प्रवाह बोल रहे थे कि कैसा उन्होंने त्याग किया है वहाँ जाकर भोजन करके। रोहित जी, पॉइंट ये नहीं है कि आपने होटल से मंगा के खाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, येदियुरप्पा जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर और अभी जोगी जी ने भी किया था, और जोगी जी ने तो एक और उल्लेखनीय काम किया है कि जो दलित से मिलते हैं तो पहले उन्हें अधिकारी जाके नहलाता है, बढ़िया साबुन शैम्पू देता है और उसको अच्छे कपड़े पहनाया जाता है, इत्र लगाया जाता है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मिलना पसंद करते हैं। तो ये तो दलित प्रेम था है भारतीय जनता पार्टी का, जो लोग देख रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि पिछले 4 सालों में केंद्र की योजनाओं में से 42 ऐसी योजनाओं को मोदी जी ने ख़त्म कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ दलितों के कल्याण के लिए चले आ रहे थे। तो जिन्होंने दलितों के विकास से संबंधित योजनाओं को ख़त्म कर दिया, सब प्लान में बड़े पैमाने पर बजट में कटौती कर दी, वो आज दलितों के हितों की बात कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी इस देश का विज़न है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, क्या वजह है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं? अभी 2 अप्रैल को हमने क्या देखा, हम लोग भी बहुत आंदोलन करते हैं, बंद का कॉल करते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूट भी जाते हैं, 10,000 के करीब उन दलित समर्थकों को जेल में बंद कर दिया गया, बंद के कॉल के लिए, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, और गोलियां चलाई गई भाजपा शासित राज्यों में ही, दूसरी जगह गोली नहीं चली बंद समर्थकों पर। तो ये तमाम चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, ऊना से लेकर सहारनपुर को आप याद कर लीजिए, तो एक के बाद एक दलित प्रेम जो बीजेपी का है वो दिखता है। और संघ परिवार क्या वजह है, मेरा एक सवाल है रोहित जी, 10 सेकंड, आज तक आरएसएस ने कभी भी अपना संघ प्रमुख किसी दलित को नहीं बनाया है, ठीक, वस्तुतः व्यवहारिक रूप से आरएसएस में दलितों का प्रवेश ही एक तरह से वंचित है। चलिए, आज संघ परिवार से कोई है नहीं हमारे साथ, रहते राकेश सिन्हा अगर कनेक्ट नहीं हो पाए, वो रहते अगर, तो हम आपसे आपके सवाल का जवाब उनसे जरूर लेते हैं, लेकिन गौरव भाटिया, अगर आपके मंत्रियों से हो नहीं पा रहा तो ऐलान क्यों करते हैं कि ऐसा करेंगे, ना जाएं दलितों के घर, ना कहें कि वहां खाना खाएंगे, ना कहेंगे कि रात गुजारेंगे, मना कर दें पीएम को, कहें उनसे कि आप कर लीजिए हमसे मत करवाइए। रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये गुजारिश करी कि हमें मिलना चाहिए सभी दलितों से, उनको हमें मुख्य धारा में लाना है, और आपने देखा होगा अमित शाह जी ने, ये कोई अभी की बात नहीं है, इससे बहुत पहले से जिस भी प्रदेश वो जाते हैं, दलित के घर जाते हैं, जो वहाँ पे बना होता है वो खाते हैं, उनके साथ उनकी समस्याओं को समझते हैं और समाधान निकालते हैं। पीयूष गोयल जी ने भी यही किया, और भी मंत्री हैं, महेश शर्मा जी, वो भी यही कर रहे थे, और मेन मकसद इसका ये है कि हम लोग दलितों को मुख्य धारा में लाए, उनको मजबूत करें। लेकिन प्रेमचंद जी जो अभी कह रहे थे, मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, एक अभी सांकेतिक अनशन पे बैठे थे राहुल गांधी, जिसमें 3 घंटे लेट आए थे, इनके जो नेता हैं छोले भटूरे खा रहे थे, और इसके अलावा इनको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी झूठ बोल देते हैं रैली में, कहते हैं SC ST Act रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 कार्य दिवस के अंदर पुनर्विचार याचिका डाल दी जाती है, और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कहां हुआ,
कर्नाटका में हुआ, मैंने आपको पिछली बार भी आंकड़े दिए थे, 1747 ऐसे अपराध हुए जो देश में सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी कभी वहां नहीं गए, झूठी बातें करना भी इनका चरित्र है। योगी जी के लिए अभी ये कह रहे थे कि ऐसे नेता हैं जो ऐसे मामलों में पूरे देश में सबसे पहले पहुंचते हैं और आज से नहीं पहुंचे, लगातार पहुंच रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, चाहे किसान का मामला हो, दलित उत्पीड़न का हो, एक सेकंड सुनिए ना, नौजवानों को मामला हो, सुनिए सुनिए प्रेम जी, जहाँ कोई इशू है हम सबसे पहले हमारे नेता पहुंचते हैं। प्रेम जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना, गौरव भाटिया निकल आया, आप आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। गौरव भाटिया थोड़ा रुकिए, आपकी आवाज में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, ऐसा लगता है समझ नहीं पा रहे हैं आपकी। आखिरी में जो बात आपने कही वो समझ में नहीं आई है, उस तकनीकी खामी को दूर करें। उसके पहले अनुराग भदौरिया बहुत हंस रहे थे आप, जब सुरेश राणा से मैं बात कर रहा था, क्यों हंसी आ रही थी आपको, दलित के गुलाब जामुन खाने पे हंसी आ रही थी या सुरेश राणा की बातों पे? मंत्री की बातों पे किस तरह से हास्यास्पद बातें कर रहे हैं? आपने गौरव भाटिया से पूछा सुरेश राणा की बात, तो बता रहे हैं कि मोदी जी अमित शाह की बात। अरे सुरेश राणा जी होटल नहीं गए थे, पूरा होटल ही उन्होंने अपने वहाँ बुला लिया था, होटल जाने की जरूरत नहीं है, होटल खुद ही लेके आ गए थे। जैसा कि आप गिना चुके हैं, मटर पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल सारा बताइए। दलित के यहाँ पे आप जाते हो, दलित के घर में खाने की बात करते हो, उससे कहते हो कि उसने सब बनवाया था। एक दलित अगर 200 लोगों को खाना खिलाएगा तो कम से कम 10,000 रुपये उसको चाहिए, उतने में तो अपनी बिटिया की शादी कर लेगा। और आप तो स्विस टेंट मंगा के आप कहाँ नहाया था आपने, जरा सुरेश राणा ये भी बता देते, कहाँ उन्होंने अपना वॉशरूम कौन सा यूज़ किया था बता देते सुरेश राणा। दलित के घर जाने का मतलब होता है दलित के यहाँ दलित की थाली में खाओ, दलित जो बनाता है वो खाओ, दलित जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति को रहको देखो, उसकी तकलीफ को देखो, तब पता चलेगा। सारे दिन सारे रात जब मच्छर काटते हैं, मक्खी भिनभिनाती है और बड़ी मुश्किल से नींद आती है रात में, तो पता चलता है सुरेश राणा को। सुरेश राणा वहाँ से सब लाओ लश्कर लेके गए वहाँ पे, पूरा पूरा माल पनार खा के एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, पिकनिक करने चले गए थे वहाँ। दलित क्या पिकनिक करता है क्या, कह रहे दलित को हम लोग, और इनके इनके मंत्री क्या, इनके विधायक मोती सिंह क्या कहते हैं कि दलित के घर हम खाना खा लेते हैं तो दलित का उद्धार हो जाता है। ये अपने आप को राम समझने लग गए, श्री भगवान का रूप धारण कर लिया इन्होंने। गंगा साहेब मीना, बीजेपी का, कांग्रेस का, बल्कि जो अनुराग भदौरिया अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियों का दलित प्रेम क्या दिखावा है? बिल्कुल, मेरा सवाल यह है कि इन पार्टियों को दलित संपर्क अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका मतलब यह है कि ये दलितों की पार्टियां नहीं हैं या इनमें दलित शीर्ष पर नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। ये पार्टियां लगातार दलितों को मूर्ख समझती रही हैं, मूर्ख बनाती रही हैं। और जैसा कि मैं आपके शो में काफ़ी पहले से कह रहा हूँ इस बात को, लगभग एक साल से ये बात चल रही है, जब से ऊना का आंदोलन हुआ और भीमा कोरेगांव का आंदोलन हुआ, कि अब पार्टियां दलितों को मूर्ख बनाना और उनको वोट बैंक समझना बंद करें। ये 2 अप्रैल के आंदोलन ने और साबित कर दिया कि दलित अब वोट बैंक नहीं है, वो बिना पार्टी के, बिना नेता के और बिना मीडिया के जब इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, ऐतिहासिक आंदोलन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश के दलित और आदिवासी जाग चुके हैं। आंदोलन तो व्हाट्सएप से हो जाएगा, संविधान व्हाट्सएप से नहीं बदलेगा ना? नहीं, व्हाट्सएप से सिर्फ आंदोलन नहीं होता, जमीन पर लोग उतरे, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लोग नहीं थे, वो जमीन पर उतर करके रिस्क लेने वाले, आंदोलन करने वाले लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियां दलित प्रेम का दिखावा कर रही हैं, अगर वो वास्तव में दलितों के हितैषी है तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए काम करें। 2 अप्रैल में जिन निर्दोषों को पकड़ा गया है उनको छुड़ाए, हजारों निर्दोष जेल में है, जो SC ST एक्ट में बदलाव की कोशिश हो रही है उसको वापस ले, UGC रोस्टर को लेकर के जो हमला हुआ है, 5 मार्च का आदेश है उसको वापस ले सरकार। ये सारी कोशिशें करनी पड़ेगी तब जाकर के हम मान सकते हैं कि हाँ ये पार्टियां दलितों के बारे में सोचती हैं। पार्टियां दलितों के लिए काम कर रहे होते तो घर जाके रोटी खाने का दिखावा नहीं करना पड़ता ना? नहीं रोहित जी, देखिए ये दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ इससे सौहार्द बढ़ता है और इससे एक बहुत एक मजबूत संदेश जाता है कि हम लोग सब लोग एक साथ चलेंगे तो देश की प्रगति होगी, और यही नरेंद्र मोदी जी का नारा है, इसीलिए ये शुरुआत हुई। लेकिन अभी मैं सवाल पार्टी थी क्या? दो तीन चीजें हम दिखा रहे थे, जरूर दिलाना चाहता हूँ, ये दलित सौहार्द पार्टी थी क्या जिसकी तस्वीरें दिखाई हमने? नहीं, आप सुरेश राणा जी की याद कीजिए, मोदी सिंह याद, देखिए आपके चैनल पे सुरेश राणा जी खुद आ गए, आपने काफी देर तक उनसे प्रश्न भी पूछे और उन्होंने उत्तर दे दिए कि वो नहीं चाहते थे कि दलित परिवार पे सारा जो है बोझ आए। और तो कह रहे दलित बाबा ने मुझे खाना खिलाया, गौरव भाटिया सुरेश राणा तो केवल सुरेश राणा तो केवल एक नेता है आपकी पार्टी के, सवाल पूरे कल्चर पर उठ रहा है ना।
तो मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल उठा, तो मैंने येदुरप्पा को लेकर भी सवाल उठ चुका है, तो भी खाना बात मैंने क्यों नरेंद्र अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया एक सेकंड, क्यों आपको वसुंधरा राजे का बात कही, एक सेकंड एक सेकंड, अनुराग भदौरिया गोयल जी की बात बताई, अच्छा लगता है जब एक एक करके बोलते हैं सब, ये इसीलिए बताई कि आप जान लीजिए कि जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो चाहते हैं कि वो दलित से मिले, उनकी समस्याओं को समझे और उनको मजबूत करें। लेकिन रोहित जी मुझे बीच में मत टोकिए, दो तीन बातें मैं भी कहना चाहता हूं, मुझे अवसर दीजिए प्लीज। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं उनको बताना चाहता हूं कि चार साल में उनकी सरकार में 2013 से 16 के बीच में 33,000 अपराध हुए दलितों के खिलाफ, और एक आदमी का 15 रुपए के लिए सर काट दिया गया और उस पर गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। उसके अलावा ये एक ऐसा कानून ला रहे थे जिससे कि जो भू माफिया है वो दलित का भी जो जमीन है हड़प सके, ये सब तो इनकी करनी थी, और आज ये आके यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं बोलूं रोहित जी, मैं बोलूं कि हम सब जानते हैं SC ST एक्ट का, हाँ उसकी मूर्ति तो आप काट रहे हो, उनकी गर्दन तो आप काट दे रहे हो, उनकी मूर्ति को तो आप तोड़ रहे हो, उनके लोगों को रोडों पे लाठियों से मार रहे हो आप, और उनको जेल में डाल रहे हो, ये तो आप कर रहे हो, आपकी सरकार कर रही है। दलितों के यहाँ खाना खाने का नाटक आप करते हो और समाजवादी पार्टी सरकार की बात कर रहे हो, दलितों के यहाँ जाके आप सिमिया बनवा रहे हो, आप वहाँ पे मक्खन पनीर पकौड़े और क्या क्या बनवा रहे हो, दाल मखनी बना के खाना खा रहे हो आप, और स्विस टेंट लगा रहे हो आप, स्विस टेंट कई कई दलितों के घर में स्विस टेंट होते हैं। आप रिपीट बहुत कर रहे हैं बात को, क्या मुद्दे की बात पे आइए ना, ये बात तो आप बता चुके हैं कि स्विस टेंट लगा था, और मैंने भी बता दिया, मंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछे। अब असल में सवाल यह है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपकी सरकार में 33,000 अपराध दर्ज हुए दलितों के खिलाफ, आपकी सरकार क्यों गई उसके कारण आप जानते हैं, अगर दलितों को आपने वाकई अपना लिया होता तो आप भी आज विपक्ष में नहीं बैठे होते ना, आप ही सरकार में होते शायद। मेरे यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार में 2009 में, इनको शायद याद नहीं होगा, और 2009 में और 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार के 2009 में सबसे ज्यादा SC MP थे, 11 MP थे जो दलित समाज से आते थे। उसके बाद भी आपकी सरकार मुसलमान यादव की सरकार कही जाती रही। बताएंगे दलितों के बारे में जितना समाजवादियों ने किया है ये तो सोच भी नहीं सकते, ये तो सिर्फ नाटक करते हैं। ये गंगा जी से सुन लीजिए ना, चलिए ये गंगा जी तो दलित चिंतक है, इनको सुन लीजिए या इनकी भी आवाज दबा देंगे, इनको सुन लीजिए एक बार। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो दलितों घर खाना खाने जाते हैं इससे बदलता क्या है, कुछ बदल जाता है उसकी स्थिति? बिल्कुल नहीं बदलती। अपराध के मामले में अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर वन है, दलितों पे इतने ज़्यादा अपराध है, आप उनके असली मुद्दों को नहीं उठाएंगे, उनके अधिकारों को छीन लेंगे, आदिवासियों के बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। गलत कह रहे हैं उन पर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप अपराध का आंकड़ा देख लीजिए, अपराध का आंकड़ा देख लीजिए, यूपी में आप घूम नहीं सकते, यूपी में इतना ज्यादा क्राइम है, दलितों पे क्राइम और ज्यादा बढ़ा है, आप जो अपराध के आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े वही देख लीजिए, आपकी सरकार है दोनों जगह पर, तो ये आंकड़े तो लगातार दूसरी तरफ कुछ बात कह रहे हैं, और ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं हम दलितों के हितैषी है, जो मेरा ये कहना है कि आप वास्तव में हितैषी हो इतना सा कर दीजिए, जो 2 अप्रैल के आंदोलन में निर्दोषों को आपने बंद किया हुआ है, मैं राजस्थान से आता हूँ, अकेले राजस्थान में हजारों लोग जेल में बंद है, उनमें नाबालिग भी बंद है, उनमें ऐसे ऐसे लोग जो मर चुके हैं, एक व्यक्ति का मैंने जिक्र सुना, उनका FIR में नाम है, 10 साल पहले वो मर चुके हैं, वहाँ के हमारे स्थानीय विधायक हैं भाजपा के, वो विधायक क्या करते हैं, भड़काते हैं, सुना नहीं, वो FIR देखिए, अगर आपके पास तथ्य उसको रखिए, कोई बिल्कुल तथ्य है, लेकिन आप कह रहे हैं मैंने ऐसा सुना, मैंने सुना तो आदमी मर चुका, सुनना सुनाना तो क्या क्या चलता है, मैं साक्ष्य दे सकता हूँ आपको कि एक आदमी 10 साल पहले जो मर चुका है उसका FIR में नाम दर्ज कर दिया, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, और एक आखिरी बात, हमारा विधायक जो भाजपा का विधायक है वो दंगा भड़काने की कोशिश करता है ना, उसको कंट्रोल करने की, उसका वीडियो आ गया थे दलितों के घर खाने, राहुल गांधी जब जाते थे प्रेमचंद मिश्रा जी, तो तब भी आपको बैठना पड़ता था ऐसे डिफेंड करने, जैसे आज गौरव भाटिया को बैठना पड़ रहा है, अगर आपको याद हो तो कलावती से सिलसिला शुरू हुआ था, और आज भी बीच बीच में अब कम तस्वीर आती है क्योंकि अब बीजेपी ने वो टेक्निक या वो इवेंट ले लिया आपके हाथ से, ऐसा लगता है नहीं भला, शुरू आपने किया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मूलतः एक नकलची पार्टी है, और हमारे कार्यक्रमों को हमारे नेता के द्वारा किए जा रहे गतिविधियों को वो नकल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपसे डिफर करता हूँ कि जब राहुल जी ने वो कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारा मकसद था कि उनके बीच में आत्मविश्वास पैदा करो, उन्हें मुख्य धारा में लाओ, और ये कांग्रेस पार्टी का भी विजन है समानता का अधिकार और समान अवसर देना, और इस देश में दलितों को आज शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो भी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हैं
वो कांग्रेस पार्टी के सरकारों के द्वारा दी गई है, ये कोई बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है, बीजेपी ने उसमें कटौती की। कांग्रेस का एहसान है क्या सर, वोट भी तो लिए ना आप लोगों ने? सवाल नहीं नहीं, इसको एहसान की तरह क्यों प्रस्तुत करना? वो मेरा क्या दलित अगर खड़े हैं दो चार तो हमारी वजह से खड़े? नहीं नहीं, मैं एहसान नहीं किया, मैंने कर्तव्य किया। हमारे सोच में है कि हमें समानता, देश की जनता ने आपको चुना, अधिकार देना है तो देश के हर तबके के लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी थी। रोहित जी तो मैं फिर ये असफलता भी आप अपनी मानिए ना, और कि आज भी दलित मुख्यधारा से कटा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन चारों सालों में मोदी सरकार, एक बता दे कि एक योजना के दलितों के कल्याण के लिए बनाया हो, उसने योजनाओं में कटौती किया है, उन्होंने सब प्लान में बजट एलोकेशन कम कर दिया गया है। और क्या वजह है कि दलित जवाब उठाते हैं और गोलियां चलाते हो? मैं पूछता हूं गौरव भाटिया से, आपकी बात है, ये गौरव भाटिया दीजिए जवाब उनकी बात का, पार्टी का ढोंग और पाखंड। एक योजना का नाम बता दीजिए, वो कह रहे हैं दलितों की बेहतरी के लिए आपने चलाई, और दूसरा आपने फंड्स कट कर दिए। गौरव भाटिया योजना का नाम बताइए दलितों के लिए क्या हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, शायद प्रेमचंद जी देखते नहीं है, स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम है जिसमें हम लोग एक सुविधा देते हैं दलितों को कि वो अपना जो है बिजनेस कर सके। मुद्रा योजना का 75% लाभ दलित और महिलाओं ने लिया है, 11 करोड़ जो भारतवासी है उनको रोजगार का अवसर मिला। और मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ ये सवाल, प्रेमचंद जी मुझे बताइए, भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने बी.आर. अंबेडकर साहब को 1990 तक? अरे भाई अंबेडकर साहब का नाम, अंबेडकर साहब को सम्मान भी हमने दिया, अंबेडकर साहब को संविधान बनाने का जिम्मेदारी भी हमने दिया, अंबेडकर साहब को चुनाव हार के उनको राज्यसभा में बुलाने का काम हमने किया। अंबेडकर जी का नाम आप मत लीजिए। उनका साहब मेरा आखिरी कमेंट, नहीं दलित वोट बैंक नहीं है, पहले काफी मूर्ख बन चुके दलित और आदिवासी, अब जाग चुके हैं अपने अधिकारों के लिए। देश भर में दलित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों का मुद्दा भी शामिल करिए, वो पत्थलगड़ी के लिए लड़ रहे हैं, और 2 अप्रैल के आंदोलन में जो निर्दोष बंद है उनको पहले ये सरकारें छोड़ें, तब हम मानेंगे कि ये दलितों को लेकर के सजग है या उनको लेकर के संवेदनशील है।